एशिया का अमेज़न नेपाल, जो कि धरती का 0.1वां हिस्सा है, यानी कि 0.1% ऑफ अर्थ। लेकिन ये कहना गलत नहीं हो कि ये हिस्सा सबसे खूबसूरत है, सबसे अलग है, सबसे बेहतर है और सबसे ज़्यादा विविधता भरा है इस इलाके में, जहाँ है दुनिया के तमाम पेड़ पौधे, साथ ही साथ दुनिया की तमाम प्रजातियाँ। क्योंकि यहाँ पर है सपाट जमीन से लेकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी, और यही विविधता कहीं ना कहीं इतनी बड़ी विविधता को जन्म देती है जो कि दुनिया में और कहीं नहीं है। नेपाल में कई वन्यजीव हैं जो कि बेहद ही खास हैं, जैसे सिंगल हॉर्न्ड राइनोज, साथ ही साथ बंगाल टाइगर, रेड पांडा, स्नो लेपर्ड और कई और प्रजातियां जो सिर्फ और सिर्फ नेपाल में ही आपको देखने को मिलेंगे। और इसीलिए नेपाल के लिए एक चुनौती भी थी कि इन जानवरों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि यहां पर उसकी काफ़ी ज़्यादा तस्करी भी और काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन भी हो जाता था इन अनोखे जानवरों का। लेकिन नेपाल इन चीज़ों से आगे बढ़ा और साथ ही नेपाल अब कहीं ना कहीं रिकग्नाइज किया जाता है दुनिया में सबसे अच्छे कंजर्वेशन के लिए, जो कि इन जानवरों साथ ही साथ पेड़ पौधे की प्रजातियों के ही कंजर्वेशन के लिए है। और कई बड़े अवार्ड्स हैं जो कि नेपाल को मिले हैं ऐसे ही कंजर्वेशन के लिए, जिन कंजर्वेशन की वीडियो मेरे चैनल पर काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई, जिनको मैंने ऊपर लिंक्स में दिया हुआ है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं तो उनको भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उनमें जिक्र किया गया उन सभी अवार्ड्स का और उन लोगों का जिन्होंने ये चीज़ें की हैं। और आपको ये जानना बेहद ही ज़रूरी कि नेपाल में कौन ऐसे काम कर रहा है जिसको हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम खुद वो काम कभी कभी नहीं कर सकते हैं, अपनी लाइफ की उलझनों में उलझे रहते हैं, लेकिन हम एक सपोर्ट तो ज़रूर दे सकते हैं जिससे उनको पावर मिले कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उसमें और बेहतर कर सकें और इन जानवरों की प्रजाति को और ज़्यादा बचा सकें। और आज नेपाल कहीं ना कहीं एक उदाहरण बन चुका है दुनिया भर में कंजर्वेशन के क्षेत्र में। और इनके पीछे 5 फैक्ट्स रहे हैं, 5 कारण रहे हैं जो कि नेपाल को इसमें आगे करते हैं। तो चलिए जानते हैं उन फैक्ट्स को और उनके बारे में। दोस्तों, इसकी सबसे पहली बड़ी वजह है नेपाल का 20% हिस्सा डिक्लेयर है प्रोटेक्टेड एरिया के फॉर्म में, जिसमें करीबन 12 नेशनल पार्क भी शामिल है, क्योंकि नेपाल वाइल्ड लाइफ की इम्पोर्टेंस को समझता है। और इसका पता इसी से लगता है कि नेपाल के पड़ोसी देश भारत ने मात्र 5% हिस्सा ही अपने वाइल्ड लाइफ रिजर्व के लिए छोड़ा है, लेकिन नेपाल छोटा होने के बावजूद अपना 20% हिस्सा प्रोटेक्टेड एरिया के तौर पर रिजर्व करके रखा है, जिसमें 12 नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ रिजर्व है, 6 कंजर्वेशन एरिया है और हंटिंग रिजर्व्स भी हैं। और साथ ही साथ नेपाल के 2 नेशनल पार्क्स को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर भी रखा गया है, जो कि एक बड़ी बात है। आपको बता दें कि नेपाल करीबन 50 सालों से कंजर्वेशन को कर रहा है, जिसके बाद ही इतने बड़े तौर पर नेपाल अब कंजर्वेशन कर सका है और दुनिया रिकॉग्नाइज करती है नेपाल के कंजर्वेशन को। दूसरी बड़ी जो रिकॉग्नाइजेशन नेपाल को इंटरनेशनली मिली वो थी टाइगर्स की पॉपुलेशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, नेपाल ने अपने टाइगर पॉपुलेशन को लगभग दुगने से भी ज्यादा कर लिया, वो भी एक दशक में, यानी करीबन 10 सालों में, जो आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पाया। और नेपाल ने दुनिया के बड़े बड़े देशों को दिखा दिया कि अगर हम बचाने पाए तो हम बहुत कुछ बचा सकते हैं और प्रकृति के साथ मिलकर चल सकते हैं। और इसीलिए नेपाल के इन एफर्ट्स को लेकर उसे इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया, क्योंकि 2009 में नेपाल के टाइगर्स की पॉपुलेशन हुआ करती थी 120 करीबन और अब वो हो चुकी है 235 से भी ज़्यादा। तो ये बड़ी उपलब्धि जो नेपाल ने करके दिखाया और इंटरनेशनली रिकॉग्निशन लिया। तीसरा काम और उपलब्धि है उसकी वजह बनी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। दोस्तों, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर एक सेफ पैसेज होते हैं जो कि प्रोटेक्टेड एरिया में ही होते हैं, जिससे इंसानों और जानवरों के बीच में इंटरफेरेंस कम होता है, यानी कि इंसानों की जगह जानवर नहीं आते और उनका जो एरिया होता है वहाँ पर वो जानवर फ्रीली घूम भी सकते हैं, जिसके चलते ही कई वन्य जीव नेपाल में काफ़ी अच्छी तादाद में बढ़े हैं, जैसे कि सिंगल हॉर्न राइनो, जिसको बचाने की बहुत कोशिश की गई और वो इन्हीं तरीकों से बचे हैं, जिसमें वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर एक बड़ी वजह रही थी। और साथ ही साथ कई एंडेंजर्ड जैसे कि इंडियन एलिफेंट को भी इसी के जरिए काफ़ी बढ़ावा मिला। चौथा जो बड़ा कारण है नेपाल को इंटरनेशनली कंजर्वेशन पर उठाने के लिए, वो था जीरो पोचिंग ऑफ राइनोज। जी हाँ, तो एक दौर था जब नेपाल में इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था, जिसमें कई एनिमल्स के बॉडी पार्ट बेचे जाते थे, जिसमें सबसे ज़्यादा सिंगल हॉर्न्ड राइनो प्रभावित थे। लेकिन उसके बाद नेपाल ने कई सख्त कदम उठाए और कई दशकों तक इन पर काम किया, जिसके बाद 20th सेंचुरी में करीबन 200 से ज़्यादा राइनोस को नेपाल में देखा जा सकता है और इससे राइनोस की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी। और पांचवा जो सबसे इम्पॉर्टेंट और बड़ा कारण रहा वो था नेपाल के आम लोग और उनका कम्युनिटी अप्रोच, जो कि इन जानवरों को बचाने के लिए काफ़ी मददगार था।
क्योंकि आमतौर पर हर देश में ऐसा देखा नहीं जाता, लेकिन नेपाल में ऐसा देखा गया। अगर ये सिर्फ सरकारें करने पे आती तो शायद उनके लिए मुश्किल हो जाता, लेकिन जब आम लोग भी उनसे जुड़ गए तो कहीं ना कहीं इन चीजों को और ज्यादा बढ़ावा मिला। दोस्तों, नेपाल के कई लोग इन जानवरों को बचाने की ही कोशिश करते हैं और कई लोग इनके संरक्षण में मदद भी करते हैं, क्योंकि ये जानवर ही एक सोर्स ऑफ टूरिज्म भी हैं नेपाल के कई इलाकों के लिए। तो कहीं ना कहीं लोग मिलकर अब प्रोटेक्ट करते हैं इन जानवरों को, जिसके चलते ये एक बहुत बड़ा मूव बना है नेपाल में, और इसी की वजह से कंजर्वेशन एक ड्रास्टिक वे में इम्प्रूव हुआ है नेपाल में, जिसमें आम लोगों को सैल्यूट जो कि उन जानवरों को बचाने की प्रयास करते हैं। तो यही थे वो 5 फैक्ट्स और 5 कारण जिनकी वजह से कहीं ना कहीं नेपाल में बहुत ज़्यादा अच्छा कंजर्वेशन देखने को मिला है, और दुनिया भर में कहीं ना कहीं नेपाल टॉप की पोजीशन बनाता है कंजर्वेशन की फील्ड में, और इसीलिए पूरी दुनिया सल्यूट करती है नेपाल के कंजर्वेशन पर। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन अभी दबा लें। धन्यवाद। NI News।